ऐसे मेरा चितकुचा खाना क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ये तो अफलातून बन रहा है, लग गई हाथ में, लग गई, दिखाओ कहाँ लगी। किशु आज क्या है? आज जन्माष्टमी है, कान्हा जी का बर्थडे है, बोल दो हैप्पी बर्थडे। अरे नंगू पंगू, तुम ये डायपर पहन के घूम रही हो, तुम्हारा कच्चा कहाँ है? ए कच्चा कहाँ है, हंसता क्या है बे? अरे ए खा मत खा। अच्छा 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 किसी नहीं किसी नहीं किसी नहीं, अच्छा सॉरी नहीं बोलूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। एंड 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 अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज जन्माष्टमी है और मैंने आज पहले ही डिसाइड कर लिया था, कुछ भी हो जाए मेरे को आज केवल व्लॉग बनाना ही बनाना है, क्योंकि यार मतलब बहुत सारा काम भी हो जाता है, ऑब्वियसली बात है फेस्टिवल वाले दिन। लेकिन मैंने ठानी थी तो मुझे बनाना था, तो मैं बना रही हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो और घर पे आज फास्ट सिर्फ मेरा है, दीदी का है और पापा का है, बाकी लोगों का नहीं है। हम तीनों ने फास्ट रखा है क्योंकि मैं तो रखती ही रखती हूँ, मेरा तो ये रहता ही है, जन्माष्टमी का मेरा हमेशा फास्ट रहता है। मम्मी का इसलिए नहीं है क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं हम लोगों ने खुद ही मना कर दिया था। एंड दीदी एंड पापा का है फास्ट। और आज कान्हा जी का बर्थडे है। हमारी सोसाइटी में पता है मतलब लाइक हमारी सोसाइटी में मंदिर है, वहाँ पे छोटा सा फंक्शन है। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको दर्शन कराऊँगी राधा रानी के और कान्हा जी के, मैं अगर अच्छे से तैयार होके गई तो, ठीक है। नहीं हो पाया तो इट्स ओके, अगर गई तो वेल एंड गुड, ठीक है। एंड मैं बहुत ठीक है ठीक करने लगी हूँ, ठीक है सब ठीक ही है यार, इसलिए ठीक ही है, नेवर माइंड। सो मैंने व्लॉग शुरू किया है शाम से क्योंकि सुबह मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं फेस्टिवल वाले दिन, ऑब्वियसली बात है सबको पता है। आप लोग के घर में भी बहुत काम हो जाते हैं, मेरे घर में भी बहुत काम हो गए थे, मंदिर वंदिर साफ करना होता है, ठीक है। ऊपर से मेड भी नहीं आई थी तो उस वजह से खुद ही करना पड़ता है, फिर किचन का बहुत सारा काम हो जाता है। एंड फिर मार्केट भी गए थे, वहाँ से भी कुछ सामान आना था हमारा मंदिर का एंड खाने पीने का थोड़ा, इस वजह से। तो आई डिसाइडेड दैट आई विल व्लॉग फ्रॉम इवनिंग, सो मैं शाम से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी व्लॉग में, वो सब करने के लिए आपको व्लॉग में बने रहना पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा। एंड प्लीज़ लास्ट तक देखना। एंड गाइज प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल एंड लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आधे लोग हैं यार सिर्फ वीडियो ना देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, गंदी बात है यार। मैं इतनी मेहनत करती हूँ व्लॉग के लिए, तो प्लीज़ एटलीस्ट इतना तो बनता है मेरे लिए दैट यू गाइज मेक श्योर दैट लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, तो कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। बहुत बकबक हो गई, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आप बने रहिए व्लॉग में, ठीक है। जन्माष्टमी व्लॉग है, कान्हा जी का बर्थडे है, सो एंजॉय दिस व्लॉग गाइज। तो गाइज मेरे साथ ना एक फनी इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ क्या इवन हम सबके साथ। मैं किचन में गई थी, सोचा कुछ थोड़ा सा खा लूँ क्योंकि फास्ट है, कुछ वैसे तो खा नहीं सकते हम, फास्ट वाले ही खा सकते हैं। तो हम खोया लेके आए थे, खोया या मावा, हमारे यहाँ पे तो मावा कहते हैं। गए हम, बनाया, पर जो सोचा था वो हुआ नहीं, कुछ और ही बन गया उसका। मैं दिखाती हूँ यार इसका, देखना क्या बन गया है। ना तो ये समझ आ रहा, ना ये पेड़े लग रहे हैं, ना ये हलवा लग रहा है, ये नहीं पता ही क्या बन गया, बस बन गया, समझ नहीं आया बना क्या। तो खा लो, मीठा है ना, इसमें खाली शक्कर है, शक्कर इन अ सेंस लाइक बूरा या फिर खांड हमारे यहाँ पे जो कहते हैं, ठीक है। और खोया है सिंपल, उन्हें अच्छे से भून के कढ़ाई में अच्छे से मिक्स विक्स करके फिर खा लो। सोचा तो था पेड़े बनेंगे पर ये तो कुछ और ही बन गया। राचियन हैशटैग स्ट्रगल्स मेरे साथ, क्यों कोई बात नहीं, हम खा लेती हूँ, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मेरा चितकुचा खाना क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ये तो अफलातून बन रहा है, लग गई हाथ में, लग गई, दिखाओ कहाँ लगी। किशु आज क्या है? आज जन्माष्टमी है, कान्हा जी का बर्थडे है, बोल दो हैप्पी बर्थडे। अरे नंगू पंगू, तुम ये डायपर पहन के घूम रहे हो, तुम्हारा कच्चा कहाँ है? ए कच्चा कहाँ है, हंसता क्या है बे?
अच्छा, किश नहीं, अच्छा सॉरी, नहीं बोलूंगी। तो गाइस यहाँ पे मैं और चैरी मंदिर में बैठे हुए हैं। हम लोग थोड़ा कान्हा जी को सजा रहे हैं, उनकी पोशाक वोशाक वो पहना रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, श्रृंगार विंगार कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज उनका बर्थडे है, बहुत अच्छा बर्थडे है, लेकिन मेरे लिए तो चाहिए इसलिए मैं। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। झूला अच्छा लगा? झूला अच्छा लगा। हाँ। ये रहे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, ये उनका सारा श्रृंगार, छोटी छोटी तकिया बिछौना, ये उसका बेबी है, उनका श्रृंगार। एक ये वाले तो रेडी हो चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल, वो देखो ये हमारे बेबी के। हाँ, ये छोटे बेबी है, आप इनको तैयार कर रहे हैं। अब पहले कान्हा जी को हम कंगन पहना देते हैं। कंगन उनके बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जी क्योंकि वो अभी अपने कंगन को भूलते भी नहीं है। जी जी जी, कभी नहीं। सीजर चाहिए होगी, कैंची लो। चेरी, हाँ, किचन से सीजर लेके आइयो, कैंची लेके आ जाओ। ठीक है, बस यहीं से कर ले। ये हमने लड्डू गोपाल को बिठा दिया झूले पे, और वो क्या करेंगे, झूलेंगे है ना बुआ? ना ना ना, बुझी दो हाथ दिखाने बुआ, ध्यान रखना इनका क्राउन को। अरे कान्हा जी के बाल फंस गए। कान्हा जी के बाल, ओहो लग रहे छोटे हैं ऐसे। ये कान्हा जी की बांसुरी, कान्हा जी की बांसुरी ना तो ऐसे, ये कान्हा जी की छोटी सी लाठी, लाठियां मतलब ऐसे रखते हैं लाठी छोटी सी, छोटी सी उसे बुझाते हैं क्या? उसे बुझाते हैं क्या? सो फाइनली गाइस, हमारे कान्हा जी दोनों रेडी हैं। ये रहे छोटे वाले लड्डू गोपाल अपने झूले में, और ये थोड़े से बड़े वाले लड्डू गोपाल अभी नहीं। तो हमारा मंदिर रेडी है, पूरा देख लीजिए, पूरा जो से लिखा फिर देखिएगा। अच्छा, गौ माता। गाइस कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है मंदिर, ठीक है? वो नाग पंचमी के लिए बनाए थे कितने क्यूट लग रहे हैं। सो ऑल रेडी फॉर आरती, अच्छे से मंदिर को सजा दिया है। चुप कर लिया तो यहाँ पे गाइस भोग की तैयारी चल रही है। ये है अरवी, अरवी की बनेगी गीली वाली सब्जी, और ये पनीर, पनीर की भुर्जी। बेसिकली आज का मेन्यू है पनीर, पनीर की भुर्जी, अरवी की गीली वाली सब्जी, भुर्जी का हलवा और पूड़ी और रायता। पूड़ी होगा ना, देखेंगे या तो पूड़ी या फिर रोटियाँ, क्योंकि यार ज़्यादा ना किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो लेट्स वाई फिर ज़्यादा ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगा, तो उसके लिए हम सोचेंगे पूड़ियाँ बनाएं या फिर रोटी बनाएं। लेकिन सब्जी हमारी गीली अरबी की सब्जी है, और पनीर की भुर्जी, और बूंदी वाला रायता, और सूजी का हलवा, जिसका मैं छोटा सा केक बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। तो देखते रहिए, बने रहिए व्लॉग में। तो गाइस पनीर की भुर्जी बन के रेडी है, लग रही है ना टेम्पटिंग। और यहाँ पे तैयारी है अब अरबी की, ठीक है, गीली अरबी बना रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हर बार जन्माष्टमी पे यार एक चीज़ होती ही होती है कि अरबी की सब्जी बननी ही बननी है। आई डोंट नो वाई, इसका भी कुछ रीज़न होगा, मैं मम्मी से पूछ के बताऊँगी, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन हमारे लाइक हर वक्त नहीं, आई मीन जब जब जन्माष्टमी होती है हमारी अरबी की सब्जी तो बननी होती ही होती है, और बूंदी का रायता। मेरी एक सब्जी डन हो चुकी है, मैं दूसरी अब बनाने जा रही हूँ, ठीक है।
बने रहिए व्लॉग में यार। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ऐसी लग रही है ना जैसे काटे काटे। कोई नहीं, इट्स ओके, हम बनाते हैं सब्जी। बना लेती हूँ यार, कभी फिर मैं डांट खाऊँ। फाइनली गाइस, अरबी भी बन गई है, मतलब जो अब बस उबाल आ जाए फिर मैं उसे बंद कर दूँगी। पनीर की भुर्जी होगी, अब मैं तैयारी कर रही हूँ हलवे की, फिर रायता बनाना है। आज का जिम्मा मेरे इन कंधों पे है, रांची द बावर्ची। ओ इधर टाइमिंग हो गई, रांची द बावर्ची। टुक 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 टुक। हलवे के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, यहाँ पे मेरी अरबी हो रही है वाली। पनीर की भुर्जी मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। पे गाइस मैं सूजी भून रही हूँ, घी मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसमें भी बॉईल आ गया है, बस मैं बंद करने वाली हूँ। गाइस मैं आप लोगों ने एक टिप दे रही हूँ, जितना आप सूजी को अच्छे से भूनोगे ना घी में, उतना टेस्टी आपका हलवा बनेगा। एंड सबसे ज्यादा अच्छा टिप हलवा बनाने के लिए, आप जो है गरम पानी करके रख लो, तो उसके बाद जब आप पानी डालोगे ना हलवे में, तो बहुत ज़्यादा 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 टेस्टी बनता है, बहुत कफी कफी एंड सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। यहाँ पे मम्मी ने मेरे को बादाम काट के दे दिए हैं, इसमें किशमिश है। यहाँ पे गाइस अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। मैंने गर्म पानी किया था इसके लिए, तो मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैं दिखाती हूँ। मेरा इतना बन चुका है, अब इसे मैं थोड़ी देर होने दूंगी। तो यहाँ पे गाइस मेरा रायता भी बनके तैयार है, बूंदी वाला सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठी हूँ। पंखा और मैं चेरी, अब थोड़ी देर बाद हम लोग तैयार व्यार होके मंदिर के लिए जाएंगे। ये मैं यहाँ पे हूँ, कर दे धपा धपा धोती ऐ भकड़े सड़ू एंड मातर एंड रम्मी। बेटा हिंदी में बात क्या करो, हिंदी में व्हाट आर यू हिंदी माय हिंदी ऑडियंस हिंदी माय इज हॉट हॉट माय हिंदी इज हॉट माय हिंदी नो है And so my Hindi is hot now. This is my Hindi code. And with you language you first. And why you then Sherry gone mad or what? पगला गए हो, तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कल हम डॉक्टर के जाएगा, दिमाग वाले डॉक्टर पे तुम्हें दिखाएगा, ठीक है? समझ रहे हो बात? बताओ यार इसकी इंग्लिश। माय इंग्लिश इज हॉट। सो यहाँ पे इन दोनों की पूजा हो रही है। अरे वाह, किसी बैठ गया पूजा कर रहा है। दोनों भाई बहन बैठ गए हैं, यहाँ पे पूजा वूजा हमने कर ली है, बस हम मंदिर के लिए निकलेंगे। हाँ क्या कर रहा है किसी? नहीं नहीं नहीं, नहीं हाथ जल जाएगा बेटा। हाय गाइस, बैक टू माई चैनल। तो मैं बुआ के फोन से शूटिंग कर रही थी अपनी, और इस लाला को कुछ समझ नहीं आता है हमारे परवेश का। और मैं अभी का आपको दिखाती हूँ भगवान जी कैसे हैं। देखिए अभी भगवान जी ऐसे हैं, हमने भगवान जी को अभी सेलिब्रेट किया है, लेकिन उनका केक जो है बन रहा है अभी। बाय, सॉरी बाय नहीं। तो आज का व्लॉग मैं लंबा बना लूं, देखिए फेंक दे मैं फोन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। एंड मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई रात की, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूजा वूजा हम लोगों ने कर ली थी। लेकिन उसके बाद मम्मी की ना धीरे धीरे तबीयत, मम्मी बता तो रही थी सुबह से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन करते 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 ना मम्मी की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई शाम तक। और मम्मी को पूरी बॉडी में पेन शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा वाला। हमारा मंदिर जाने का प्लान था हमारा, वो भी कैंसिल हो गया, ठीक है। पहले मम्मी को दवाई ववाई दी थी, फिर मम्मी के थोड़ी देर मतलब
पास बैठे, हाथ पैर धोए वगैरह। तो फिर मम्मी की थोड़ी मालिश वालिश करी, तब थोड़ा बहुत मम्मी को रिलीफ मिला। फिर मम्मी को सुलाने की कोशिश करी थी, फिर मम्मी सो गई थी। तो ये हुआ ना, तो हम लोग जा पाए ठीक है, ना मैं कुछ शूट कर पाई और ना ही मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर पाई हम लोगों ने कैसे कैसे फास्ट खोला ये सब। सो सॉरी फॉर दैट, मेरे साथ ही होता है ये रांची एंड रांची स्ट्रगल्स ठीक है #। तो कोई बात नहीं, जैसा भी था लेकिन अच्छा था, हमारा अच्छा गया जन्माष्टमी ठीक है। कान्हा जी की जय, जैसा भी कान्हा जी ने हमारा अच्छा फेस्टिवल मनवाया ठीक है। और अब क्योंकि मैं भूल गई थी, सच में भूल भी गई थी एंड फिर थोड़ा मन भी नहीं किया था कि यार व्लॉग शूट करूं, क्योंकि मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। जब मम्मी की तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे कुछ सूझता नहीं है, मुझे कुछ खुद मतलब खुद पता नहीं रहता मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है। तो इस वजह से फिर मम्मी अब सो गई थी। अब सुबह थोड़ा बहुत मम्मी को आराम है, अब नहीं होता है तो फिर मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि पापा का बेचारे पापा का एक्सीडेंट हुआ ही हो रखा है, उस वजह से पापा ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं सकते, ज़्यादा आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो मैं ही लेके जाऊंगी मम्मी को अगर मम्मी की और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। अभी तो बोल रही हैं कि अभी तो ठीक है, बेटर फील कर रही हैं ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे ठीक है, ऊट पटांग। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी शूट नहीं कर पाती, कभी ये हो जाता है वो हो जाता है, तो डोंट माइंड यार, होता है, सबकी डेली लाइफ है यार, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में होता ही है। आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, कॉमन सी चीज़ है ठीक है, लेकिन मेरे साथ ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है। भगवान जी ना मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, जा बेटा जा, तेरे साथ ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करूँगा, कोई नहीं, एक ही जीवन है, सब कुछ सहन करेंगे ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ प्यार दिखाते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, व्यूज़ बढ़ाओ एंड व्लॉग्स को प्यार देते रहो, ऐसे आपको और व्लॉग्स मिलते रहेंगे, ऐसे मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर लेना और व्यूज़ बढ़ा देना यार, लाइक कर देना, शेयर करा दिया करो यार फैमिली फ्रेंड्स सब में प्लीज़। जब मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ आप लोग के लिए तो आप इतना सा तो कर ही सकते हैं, खाली बस आपको एक प्रेस करना पड़ता है बटन शेयर का, दैट्स ऑल, काम ख़त्म बस ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान रखने की, अपनी भी और घर वालों की भी ठीक है। तो टेक केयर, घर वालों को परेशान ना करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।